स्टूडेंट बीएचटीसी सेकंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण अष्टम कक्षा का पत्र पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आज की जो ऑनलाइन क्लासेस में हम कुपोषण का अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कुपोषण क्या होता है। इससे पहले की जो क्लास हुई थी उसमें हमने पोषण का अर्थ और उसके महत्व के बारे में चर्चा की, फिर पोषण के प्रकारों के बारे में चर्चा की। जैसे पोषण के हमने दो प्रकारों के बारे में चर्चा की थी, जैसे मात्रात्मक पोषण और गुणात्मक पोषण। उसके बाद हमने मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या होता है, उस मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के बारे में चर्चा की। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस प्रकार से होता है, उसमें दो प्रकार से उसके आधारों पर बजट दो प्रकार से निर्धारित किया जाता है। जैसे प्रथम था वो साप्ताहिक आधार पर और द्वितीय था वो मासिक आधार पर इसके बजट तैयार किए जाते हैं और इसकी रूपरेखा पहले से ही तैयार की जाती है। और मध्याह्न भोजन में शिक्षक की जो भूमिका है वो किस प्रकार से की जाती है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज हम कुपोषण क्या होता है इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि जब शरीर को उसकी आवश्यकता से अधिक, जब व्यक्ति को उसका शरीर है उस शरीर को आवश्यकता से अधिक या आवश्यकता से कम भोजन मिलता है, जिससे शरीर का विकास उचित प्रकार से नहीं हो पाता, उसे कुपोषण कहते हैं। कुछ व्यक्तियों को भोजन में दूध फल तथा सब्जियों की आवश्यकता के अनुरूप नहीं मिल पाते, इससे उनके शरीर में ऊर्जा की कमी बनी रहती है और वे निर्बल बने रहते हैं तथा उनके कार्य करने की क्षमता कम बनी रहती है। कुपोषण से बालकों में पेट चर्म एवं हड्डी रोग हो जाते हैं। तो हम इसकी परिभाषा को लिख देते हैं कि जब शरीर को उसकी आवश्यकता से अधिक या कम शरीर में
हुए निर्बल बने रहते हैं तथा रहते हैं तथा उनके कार्य करने की कार्य करने की क्षमता कम बनी रहती है क्षमता कम बनी रहती है यानी जब वो किसी कार्य को करते हैं तो उस कार्य को थोड़े समय वो कार्य में थक जाते हैं, उनकी जो ऊर्जा कार्य करने की जो क्षमता है वो क्षमता उनमें नहीं रहती है। इस प्रकार उनका शरीर निर्बल होगा तो कार्य करने में भी वो अशक्त उनको महसूस होगी। कुपोषण से बालकों में कुपोषण से बालकों में कुपोषण से बालकों में पेट चर्म और पेट चर्म और हड्डी के रोगों हो जाते हैं और हड्डी के रोग हो जाते हैं। ठीक है, इनसे इनके पेट में और हड्डी के जो रोग हैं फ्लोराइड वगैरह जैसे जो रोग हैं वो रोग उनको हो जाते हैं। ये किनके कारण होते हैं? जब व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। इस संदर्भ में जो विद्वान हुए हैं डॉक्टर दीपिका के शब्दों में उन्होंने कुपोषण की परिभाषा दी है। डॉक्टर दीपिका के अनुसार डॉक्टर दीपिका ने अपनी जो डेफिनेशन दी है उन्होंने कहा है कुपोषण से अभिप्राय बालक या व्यक्ति की मानसिक या शारीरिक शक्तियों व्यक्ति की मानसिक या शारीरिक शक्तियों का विकास न होना का विकास न होना तथा उसकी गति अवरुद्ध होना है तथा उसकी गति अवरुद्ध बाद में कमी आ जाती है यानी वो बालक लंबा भी नहीं होता।
पीला हो, दुखी दिखाई देगा, यानी बालक का चेहरा है वो पीला दिखाई देगा, जैसे हम बोलते हैं उसको पीलिया रोग दिखाई, जैसे पीलिया रोग उसको हो गया हो, इस प्रकार का उसका जो रंग है वो दिखाई देगा चेहरे का, और वो हमेशा उसके चेहरे से मायूसी झलकती रहेगी। तो आज की जो क्लास है उसमें हमने कुपोषण का अर्थ और कुपोषण के क्या लक्षण हैं इसके बारे में चर्चा की। कल हम इस पर नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए आप सभी को